हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रिपोर्टर रूममेट के एक और नए विदेशी सेगमेंट में। जहां स्पाइडरमैन का मार्वल के अंदर सौतेले बेटे की तरह ट्रीट होने से लेकर जॉन विक का PG-13 का कमबैक के बारे में सारी विदेशी बातें करेंगे। जहां आज सबसे पहली न्यूज शुरू होती है वन पंच मैन के लाइव एक्शन मूवी पर। जी हाँ, हॉलीवुड हर साल कुछ न कुछ ऐसी बकचोदियां ट्राई करता रहता है जिसका भाई रिजल्ट मैडम वेब जैसा हमें देखने को मिलता है। पर ये एक सुपर हीरो लाइव एक्शन मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट करेंगे जस्टिन लिन, जिसको भाई हम जानते ही हैं फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज इन्होंने कई सारी डायरेक्ट की हुई हैं, और इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं रिक एंड मॉर्टी के राइटर्स। तो भाई काफी अच्छा चांस है कि इसका बजट काफी बड़ा होने वाला है और ये डिजर्व भी करता है। पर भाई कोई एक्सपेक्टेशन जोड़ के मत रखना, क्योंकि भाई कोई अच्छी लास्ट बार कोई लाइव एक्शन मूवी आई थी एनिमे की अडेप्टेशन तो भाई टॉम क्रूज की वो एज ऑफ द टुमारो थी, बस दैट्स इट। जिसके बाद अपनी नेक्स्ट न्यूज आती है कि स्पाइडरमैन और बैटमैन की कॉमिक्स को रोज रोज गालियां पड़ रही हैं, जहां पे बैटमैन की कॉमिक्स पे एक्यूजेशन ये लग रहे हैं कि वो AI आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कॉमिक्स को लिखने के लिए। वहीं भाई स्पाइडरमैन की कॉमिक्स तो भाई मॉर्बियस से भी ज्यादा बेकार होती चली जा रही है, जिसके भाई लास्ट 2 सालों में स्पाइडरमैन अब ग्रीन गॉब्लिन बन चुका है। और जो राइटर्स ये सब बकवास लिख रहे हैं उसी ने शी हल्क शो पे काम भी किया था और अभी वो मार्वल ज़ॉम्बी शो पे भी काम कर रहे हैं। तो भाई मूवीज तो मूवीज ही, मगर अब सुपर हीरो फिक्शन की क्वालिटी भी हर जगह गिरती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा दी लास्ट रोनिन पर एक R-rated लाइव एक्शन मूवी और एक R-rated वीडियो गेम भी आ रहा है, जहां दी लास्ट रोनिन कहानी है माइकल एंजेलो की, निंजा टर्टल्स के सबसे फनीएस्ट मेंबर, पर फ्यूचर में उसके सारे भाई मारे जा चुके होते हैं, स्पॉइलर अलर्ट, और उनके हेलुसिनेशंस अभी भी उसके दिमाग में हॉन्ट उसे कर रहे हैं। मिकी को अपने भाइयों का बदला लेना है और न्यूयॉर्क के डिक्टेटर को मारना है। वन ऑफ द बेस्ट निंजा टर्टल कॉमिक बुक्स एवर रिटन बोली जाती है, जहां पे ये एवेंजर्स जितना बड़ा तो रिस्क लेने को कोशिश करेंगे। एंड मैं जरूर चाहूंगा कि निंजा टर्टल काफी टाइम के बाद एक प्रॉपर लाइव एक्शन कमबैक करे, जो कि भाई ये कॉमिक बेस्ट लग रही है। जहां पे अब अगर कोई रिस्की प्रोजेक्ट की बात ना करे तो वहां आता है पीसमेकर सीजन 2, जहां पे भाई जेम्स गन ने ऑफिशियली पीसमेकर सीजन 2 पे काम चालू कर दिया है। पीसमेकर और सुपरमैन की शूटिंग एक साथ चलेगी, तो भाई जेम्स गन उसे कैसे मैनेज करेंगे वही जाने। बाकी इसके अलावा डेविड कॉर्नसेट का सुपरमैन हमें मूवी से पहले क्रीचर कमांडोज में देखने को मिल सकता है, जहां पे कई रिपोर्ट्स ऐसी सुनने में आ रही हैं कि क्रीचर कमांडोज में सुपरमैन होने वाला है, जिसके लिए डेविड ने वोकल लाइंस भी रिकॉर्ड कर ली हैं। तो अगर ये बात सच होगी तो सुपरमैन हमें इसी साल देखने को मिल जाएगा एनिमेशन से ही, जो कि काफी अच्छी बात है। जिसके बाद अपनी नेक्स्ट न्यूज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल आती है, क्योंकि भाई स्केरी मूवी का रीबूट आने वाला है। एंड जिनको नहीं पता तो भाई कसम से यार देखो, स्केरी मूवीज बहुत फनी होती हैं। स्केरी मूवीज वो फ्रेंचाइज है जो हॉरर मूवीज के ऊपर पैरोडीज बनाती हैं, पर सारी पैरोडीज मूवीज पे भाई काम नहीं हो पाता, वो सारी नहीं चल पाती हैं, क्योंकि हॉलीवुड के मुताबिक पैरोडीज बहुत ही ऑफेंसिव होती हैं और उनका ह्यूमर लोगों के सेंटीमेंट्स को काफी हर्ट करता है। अब तो भाई बहुत ही चांसेस है कि ये रिबूट आगे चल के भाई कैंसिल ही हो जाएगा, या फिर रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा रीराइट किया जाएगा और सेफ कॉमेडी दिखाई जाएगी ऑफेंसिव जोक्स को काट कर, जो कि काफी ज्यादा बकचोदी होगी। जहां पे भाई अपनी अगली न्यूज आती है जॉन विक फैंस के लिए, तो भाई जॉन विक अब सोनिक यूनिवर्स का पार्ट बनने वाला है, जहां पे लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक जो नया कैरेक्टर हमें सोनिक 3 में देखने को मिलेगा उसे वॉइस कियानू रीव्स देने वाले हैं। एंड जिनको नहीं पता, अनलाइक सोनिक, शैडो कोई फ्रेंडली कैरेक्टर नहीं है। शैडो जॉन विक की तरह ही गन्स, बाइक्स सबका इस्तेमाल करता है, उसे मर्डर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली वो सोनिक यूनिवर्स का पनिशर है। तो ये परफेक्ट कास्टिंग होगी उस कैरेक्टर को भाई आवाज देने के लिए जॉन विक की तरफ से। जहां पे भाई अगर सोनिक 3 अगर हिट हो गई, वो कैरेक्टर अगर शैडो वाला हिट हो गया, तो मे बी जस्ट इन केस हमें फ्यूचर में उस कैरेक्टर के ऊपर एक स्पिन ऑफ भी मिल सकता है। एंड आई थिंक पैरामाउंट स्टूडियोज एक मैच्योर टेक भी हमें सोनिक के ऊपर दे सकता है, क्या बोलते हो? जिसके साथ अपना एक छोटा सा रिकैप भी हम कर लेते हैं। सिनेमाकॉन की फुटेज के मुताबिक जो हमें पब्लिक में दिखाई गई थी, उसमें डेडपूल मूवी में हमें हेडपूल, डॉगपूल, किडपूल, लेडीपूल देखने को मिलने वाले हैं, पर वहां और भी डेडपूल होंगे जिनके भाई मूवी में हमें आगे पता चलेंगे ही, क्योंकि भाई अपना डेडपूल TVA का कोई फर्स्ट चॉइस नहीं था अपकमिंग डेंजर से लड़ने के लिए, वो काफी ज्यादा ट्रायल एंड टेस्ट कर रहे थे। डेडपूल इसमें सीक्रेट टाइमलाइन को बचाने की कोशिश करेगा और ये मूवी में थॉर का कैमियो भी होगा, पर एक एडिटेड क्लिप में, ना कि थॉर वहां पे एक्चुअली स्पॉन कर जाएगा। उसके अलावा कैप्टन अमेरिका मूवी एक पॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें थंडरबोल्ट रॉस अपनी खुद की एवेंजर्स टीम बनाने की कोशिश करेंगे, जो उनके प्रेसिडेंट के अंदर काम करेगी। इसके बाद थंडरबोल्ट्स मूवी का टाइटल भी चेंज कर दिया गया, जिसका रीजन है उन्होंने एड्रेस करते हुए बताया कि भाई मूवी आने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये टाइटल MCU के फ्यूचर पे डिपेंड करता है। जहां पे बेसिकली उन्होंने थंडरबोल्ट्स के नाम के साथ एक एयर स्ट्राइक यानी कि स्टार वाला साइन दे दिया है। बाकी डेडपूल एंड वुल्वरीन का वेट करो इसी साल, क्योंकि बाकी MCU की तरफ से इस साल और कुछ नहीं आने वाला, एंड एंड तक अकाता की सीरीज आ जाएगी। बाकी यही थी आज की सारी इंपॉर्टेंट, गुड, बैड, अगली सारी कंट्रोवर्शियल न्यूज। अपनी ओपिनियंस आप मुझे कमेंट्स जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए देखते रहिएगा रिपोर्टर रूममेट विद PJ।